देख रहे हैं सोशल सिटी प्राइम न्यूज और मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं ग्राम पंचायत राज पूर्वी संग्रामपुर में और हमारे साथ यहां से स्थानीय मुखिया जो कि लगातार दूसरी बार मुखिया हैं, क्योंकि पिछली बार चुनाव हुआ था उस चुनाव में 90% मुखिया लोग जो है अपना सीट गंवा चुके थे। उसमें से इकलौते ही इस पंचायत प्रखंड में ये मुखिया है जिन्होंने दूसरी बार जो है मुखिया का पद जो है हासिल कर पाया है। सुदेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। पहला सवाल होगा, बिहार में जातिगत जनगणना जो है इसको किस रूप में देखते हैं? क्या बिहार सरकार जातिगत जनगणना से बिहार के युवाओं को रोजगार दे पाएगी? क्या बिहार में विकास कर पाएगी? देखिए, बिहार सरकार जातिगणना जो कराया है वो सही नहीं है। इसे युवाओं का रोजगार नहीं मिल जाएगा। सबसे बिहार में जरूरी युवाओं का रोजगार जरूरी है। इसे जाति भेदभाव आगे बढ़ गया है। जातिगत से भेदभाव, जातिगत भेदभाव ज्यादा बढ़ रहा है जी। बिहार में युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? तेजस्वी जी ने वादा किया था कि वो कलम से साइन करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। क्या लग रहा है कितना कुछ कर पाएंगे? तेजस्वी यादव जी अभी तक तो जो वादा किए हैं निभाए नहीं है। इतना आदमी का वो हमको नहीं बुझा रहा है कि वो इतना रोजगार दे पाए। नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। अच्छा, आने वाले समय में जैसे कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी का पंचायत पे बहुत ही बड़ा झंडा चल रहा है, पंचायत सरकार भवन से लेके उसके निर्माण से लेके और पंचायती राज का जो काम है, जैसे पंचायत में जो फंड दिया गया है अब उस फंड को भी उस मतलब योजना को भी टेंडर कर दिया गया, ये कितना सफल हो पाएगा? इधर जो टेंडर नीतीश जी किए हैं उस पर ज्यादा सफल नहीं हो पाएगा। जो जहाँ जरूरी था वहाँ हम लोग अपने से काम कराते थे, बहुत जरूरी। अब तो टेंडर हो गया है तो कब काम होगा नहीं होगा तो जनता परेशान हो जाएगी, जनता परेशान हो जाएगी। अच्छा, नल जल विभाग को हटा के अब पीएचडी को दे दिया गया है। नल जल का जो पहले मुखिया वार्ड करते थे अब उसको पीएचडी डिपार्टमेंट कर रहा है, तो अब कितना सफल होगा? क्या नल का जल पंचायत के लोगों को मिल पाएगी? देखिए, पीएचडी विभाग को हम कई बार जेई साहब को बुला के मैंने दिखा दिए कितने आदमी के घर में पानी नहीं है, रोड में बीच जगह फुट फुट का बह रहा है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। जो हम लोग का जो पीए में नल जल जो पीएचडी का सुपुर्द कर दिए नीतीश जी, तब देखिए वो कितना सफल होगा। हमको तो नहीं बुझा रहा है कि ज्यादा सफल होगा, अब पब्लिक को पानी मिल सकता। अच्छा, आपके पंचायत में शिक्षा की क्या खास व्यवस्था है? देखिए, अभी तो हम शिक्षा का 5-6 महीना से अभी सुधार है, इसमें बहुत जब से त्रिपाठी जी आए तब से सुधार हुआ। वृद्धा पेंशन योजना और आवास योजना की क्या स्थिति आपके पास? वृद्धा पेंशन का तो अथी ठीक है, लेकिन इंदिरा आवास का स्थिति हम लोग 18 के बाद अभी ये वो गरीब का घर नहीं मिला है यार, गरीब लोग बहुत परेशान है।